टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार 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 मजे मजे मजेदार 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 जी भाई, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने टीवी वन लगा लिया होगा इस शो के लिए। सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं हमारे हाउस बैंड को, बहुत सारी जबरदस्त तालियां, वेल डन। सब लोग ठीक ठाक, सब मजे में। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। जी हाँ, बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदित्य तिलम जैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर आया हूँ। अच्छा हाँ, ये चेसबोर्ड मिल सकता है मुझे खेलने के लिए? जी मिल सकता है, लेकिन इतनी गोटियाँ नहीं होंगी ना आपके पास। नहीं, आपको क्या पता, आपको चेस में गोटियाँ तो होती नहीं। आप मेरे चेस करा देखे, मैं आपके मास्क को कुछ कह रहा हूँ। क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस काम चल रहा है, मजे कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और दुआ करेंगे सबका काम इसी तरह चलता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है पिछले हफ्ते में जी, वो ये हुआ कि सीयू पे साइकिलिंग ट्रैक बन गया बाकायदा। इसलिए क्या मतलब कि साइकिलिंग साइकिलिंग ट्रैक साइकिल के लिए बना होगा? नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो डिफेंस में साइकिल के पीछे वीगो भी चलती है ना। ओ, उसके लिए तो नहीं कुछ बनाया होगा, तो अभी से साइकिलिंग ट्रैक बनाए। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें साइकिलिंग को भी पर किलोमीटर से नापा जाता है, क्योंकि हाँ, पीछे गाड़ी जो है उसमें पेट्रोल लग रहा होता है। ये बात भी है, ये तो एक। लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि इस साइकिलिंग ट्रैक की तस्वीरें मैंने आज ही देखी है। अच्छा, एक हफ्ता पहले वो बनाए और आज उस पर गाड़ियां पार्क हुई है। गाड़ियां पार्क होगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बुट्टे वाले गोलगप्पे वाले सब वहीं खड़े, उनको लगेगा शायद हमारे लिए लाइन की। तो मेरी आपसे गुजारिश है, पहले हम शोर मचाते रहते हैं कि हम लोग कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं करते। अगर खुदा खुदा करके किसी ने कोई काम किया तो प्लीज उसको अप्रिशिएट कीजिए। साइकिलिंग ट्रैक साइकिल वालों के लिए, सिर्फ साइकिल चलाने के लिए। वहां अपनी गाड़ियां मत खड़ी कीजिए, वहां मकई और भुट्टे वालों को मत खड़ा होने दीजिए, साइकिल चलाने दीजिए। एक अच्छा रुझान है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी फिटनेस के लिए अच्छा है, तो प्लीज इस बात को सीरियस लीजिए। हमने बात यह किया कि जो लेन है उसको सही से इस्तेमाल कर लो, और दूसरी तरफ अल्लाह ने जिसको बहुत ज्यादा दिया और उसने वीगुएं बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हुई, उनसे गुजारिश है कि रोड पे जो दूसरे लोग हैं उनको भी इंसान समझे। आपने पीछे जो इंसानों को जानवर बना के डाले में डाला होता है ना, हाँ, उससे आप खुदा नहीं बन जाते, आप भी शहरी हैं, इंसान के बच्चे बने। ये रोटर और हाँ, आपकी अम्मी को कोई वॉशरूम नहीं पहुंचना जिसकी आपको इमरजेंसी लगी। रिसेंटली मैंने ये देखा था कि एक वीगो में या एक रिवो में एम्बुलेंस का सायरन लगा हुआ भाई, सब लगाया हुआ है। और मैं क्योंकि गाड़ी चला रहा था, मुझे आवाज आई तो मैं फौरन साइड पे हो गया कि एक तो हमारे ये रुझान भी नहीं है, लेकिन मैं फौरन साइड पे हो गया कि जगह दे दो, मेरे पावर से रिवो गुजरी। मैंने कहा शायद अभी कोई एम्बुलेंस आएगी, तो पता चला उसी में वो हूटर लगा। हाँ, तो प्लीज सब लोग इंसान बन जाएं, हम इंसान नहीं बनते, इसी वजह से रोड पे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, कैसा लगता है कोई पागल खाने में आप आ गए। ओके, तो फैजान आज जो है आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे हम आज घर में शो कर रहे हैं? तुम ये क्यों बोल रहे हो शुरू से? असल में ना हर रोज जब मैं यहाँ शो करने आता हूँ हर वीकेंड पे, तो ऐसा लगता है कोई वाइब है। आज ऐसी वाइब है जैसे मैं घर में हूँ। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर में अभी तुम्हें भी लगेगा कि तुम घर में हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एक पुराने वालिद साहब के अब्बा थे दादा, पुराने वालिद साहब के अब्बा थे दादा दादा, उन्होंने कहा था घर की खेती घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आज जो होने लगा है उनकी सही मिसाल ये है कि वो घर की खेती है और घर की मुर्गी है, इसलिए हमारी दाल बराबर है। अच्छा, बाहर वो निकलनी है, लोग आ रहे हैं मैडम सेल्फी ले लें, मैडम सेल्फी ले लें, और हम घर पे उससे रोटियां छीन छीन के खा रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो कौन है ये? इसलिए मैंने सोचा उनका आज बुला लिया जाए। अच्छा, और मैं उनको बुलाऊंगा। अजीब सी बात है, अमूमन मैं सारी होस्टिंग करता हूँ, मैं बुलाता हूँ, लेकिन आज तुम इंट्रो दे रहे हो, कैसे हो गया? कई बार गेस्ट को मैं लेके आता हूँ ना। हाँ, लास्ट टाइम तुमने इंट्रो ये किया था तो माहम आई थी। हाँ, तो अब तो कोई बचा नहीं तुम्हारे पास तुम्हारे दमान में। लेकिन अब देखो जो आए, मैं आपको ये बता दूं कि वो मेरे सामने एक स्टूडेंट भी थी, मेरे सामने उनकी शादी भी हुई, मेरे सामने उन्होंने एक्टिंग भी शुरू की, और मैंने जितना वक्त उनको देखा है
वो एक फूल की तरह बस खिलती गई और खिलती जा रही हैं और उनको देख के बहुत खुशी होती है क्योंकि वो भी बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फैमिली का एक फर्ज जो है वो ग्रो कर रहा है और अल्लाह उनको इसी तरह करे। आज वो हमारे शो पे आई हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 40 मिनट सब गुजरने वाले हैं, तो बगैर किसी देर के आप सबकी भरपूर तालियों में राबिया कुलसुम। Welcome to the Mazedar Show. Thank you so much. जी, well done. क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग बताएं, खैरियत से हैं? बहुत प्यारे हैं, आपको तो पता है। बिल्कुल। Very good. अच्छा जी, आपकी जो जर्नी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसकी शादी क्यों नहीं करा पा रही आप? आपने बड़ी कोशिश की। बहुत कोशिश की, मैंने गिव अप कर दिया। गिव अप क्योंकि आधी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो काफी, और वो हर हफ्ते चेंज होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मैट्रिक के पर्चे के नीचे लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी मार्क। क्या क्या मुश्किल है इसकी शादी में? नहीं, बहुत मसाइल है, आधी के अपने बहुत मसाइल है और मूड के भी बड़े मसाइल है। कभी एक हफ्ता ऐसा आता है की कहते हैं अब मुझे करनी है, मुझे करनी है, और फिर एक ऐसा आता है नहीं यहाँ शादी में, अब मुझे करनी। मैंने तो वो वाला भी मूड देखा है की कल कर रहा हूँ। हाँ एग्जैक्टली, कल कर लूंगा, यही बात है। शादी भी हो जाएगी जब वक्त आएगा। यही वक्त तो वक्त ही तो नहीं आ रहा। हाँ, कब आएगा? मेरी असल में घड़ी का सेल खराब है, वक्त ही नहीं आ रहा। अच्छा, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं, मुझे क्या बताएंगे आप? मुझे तो सब पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ लोगों को बताएं कि आपने हमारे इतने पैसे लगवाए अपनी डेंटिस्ट्री पे, इतना खर्चा करवाया, इसकी वजह से हमारा इसकी वजह से हम रोटी और पापे पे चले। अल्लाह माफ कर, मजाक कर रहे हैं। चक्कर में फटे में मुंह दे देते कि अगर दांत टूटेगा तो हमारी बहन ना ले। मेरे एडमिशन्स के लिए मेरे भाइयों ने बहुत भाग दौड़ी। और एन जब आप डेंटिस्ट बन गई तो आपने कहा कि अब मैंने एक्टिंग करनी। ये क्या बदतमीजी है? एक्टिंग का आपको तो पता है, एक्टिंग का मुझे हमेशा से बहुत शौक था, बट आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे परमिशन नहीं थी क्योंकि अम्मी का यही वो था, अम्मी अब्बू का, भाइयों का भी एक हद तक ये था, ये इरादा था, नजरिया था कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पहले कंप्लीट करनी चाहिए और अभी ड्रामों के बारे में मत सोचो, जबकि इनको पता था कि एक एक्टर है मेरे अंदर और मैं टैलेंटेड भी हूँ, मगर मुझे नहीं आने दिया। खैर, तो जो है सबका यही इरादा था कि नहीं पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, उसके बाद फिर जो करना होगा हम देख लेंगे। और पढ़ाई मेरी क्योंकि टफ थी तो जाहिर है मैं दो चीजें एक साथ नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, पढ़ाई के बाद मैंने एक साल प्रैक्टिस की, उसके बाद हो गई मेरी शादी। और इसकी पढ़ाई के चक्कर में जितने ख्वार हुए ना, वो तो एडमिशन की अलग बात थी, और उसके बाद जो चीजें इसको चाहिए होती थी, कभी फलाना चाहिए फलाना, और अब्बा को हमारे सलाम है कि वो चार साल इसको रोजाना सुबह उठ के लेकर जाते क्योंकि मुझे पॉइंट्स नहीं जाना होता, लेकर आए। और तो बस फिर मेरी शादी हो गई, शादी के बाद फिर मैंने टीचिंग भी शुरू की, उसके बाद फिर मैंने डेंटिस्ट्री दोबारा कंटिन्यू नहीं की। फिर मुझे एक दिन अंदाज़ा हुआ और एक दिन आइडिया हुआ कि आई थिंक मुझे एक्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। फिर मेरे जो शौहर हैं उन्होंने मुझे एक दिन बिठाया और कहा कि तुम्हें करना क्या है जिंदगी में, तुम एक दफा डिसाइड करो। तो मेरे दिल की आवाज़ निकली, मैंने कहा मुझे एक्टिंग करनी है लेकिन मैं करूँगी नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करूँगी? मैंने कहा फिर सब क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, आपके घर वाले क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा जब मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ तो तुम्हें कौन रोक सकता है? तो जो है रेहान ने कहा तुम स्टार्ट कर दो काम, और जो है किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर दे देना, कहना रेहान से बात। यार वैसे ऑन एयर ये बात कर रहा हूं, रेहान इज अ स्वीट हार्ट, आप भी मिले रेहान से। तो फिर रेहान ने आपको इजाजत दी? फिर रेहान ने मुझे इजाजत दी और फिर मैं शुरू हो गई, और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। दे मार साढ़े चार, दे मार साढ़े चार, सब में थोड़ा थोड़ा है ये ना भाई, हम बहुत बड़े फैन है साहिर सी बात है, तो साहिर भाई को कौन नहीं जानता। हम जब भी ये करते हैं तो हमें साहिर भाई को हम ट्रिब्यूट देते हैं, थैंक यू साहिर भाई, और अब वो बुरा भी नहीं मानते, ही इज अ स्वीट हार्ट एज वेल, और थैंक यू सो मच। बहुत 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 अच्छे इंसान है जिसकी वजह से हम फील करते हैं कि हम उनके लिए मजाक कर सकते हैं। बुरा भी नहीं मानते वो। हाँ, ये बहुत बड़ी। अच्छा मुझे ये बताइए क्या हिसाब चल रहा है आज के, आलू क्या हिसाब है? मुझे नहीं पता, ये नहीं पता। हाँ, किचन से कोई ताल्लुक नहीं इनका। किचन से कोई ताल्लुक नहीं है। She hates it. तो सच से बताएगा क्या आपके सास ससुर? I'll make sure कि मेरे सास ससुर ये शो ना देखें। क्या आपके सास ससुर ने कभी ये कहा कि आ गए शूटिंग से, अब तो इसको मौत पड़ेगी? कभी भी नहीं। मेरी सास कहती है शूटिंग से आ गए खाना लगाओ, खाना लगाओ। हाँ, वो वाली सास है कि मतलब हमारी कुक को कहती है कि खाना लगाओ, वो शूट से आ गए। अरे वाह, चिल सीन, जन्नती। मैं आंटी को खुद भेजूंगा, आंटी को मैं खुद भेजूंगा ये शो, आप प्लीज। हाँ, खुद भेजूंगा। अच्छा ये कभी तुम्हें तुमने बताया कि लोग, तुमने सोचा कि लोग क्या कहेंगे और फलाना? बिल्कुल सोचा, बिल्कुल। क्या अब इतने सालों बाद, दो साल हो गए एक्टिंग करते, ज्यादा हो गए? साढ़े तीन पौने चार हो रहे, टाइम भी वही हो रहा है। हाँ, तो साढ़े तीन पौने चार सालों में कभी ये सोचा कि यार शायद मैं गलत जगह आ गई या मुझे ये नहीं करना, और यू आर एंजॉयिंग इट? बहुत जगहों पे ऐसा लगा, क्योंकि जब फील्ड एंटर की और काम करना शुरू किया, जब मिसहैप्स आए, अप्स एंड डाउन्स आए, तो मुझे ऐसा लगा कि यार शायद गलत फैसला ले लिया है। लेकिन फिर वही वाली बात, तरबियत जब घर की ऐसी हो, अपने टैलेंट पे भरोसा हो, अपनी तरबियत पे भरोसा हो, तो बस वापस लग गई कि नहीं, जो कर रही हूँ उसे कर रही हूँ।
रही हूँ, इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब अल्लाह ताला कामयाब करे। अच्छा एक और चीज़ है जो जिससे मैं बहुत अरसे गुजरा हूँ और अब तुम भी उस चीज़ से गुजर रही हो कि हमारी कोई तस्वीर हम लगाते हैं या कुछ होता है तो नीचे लिखा था पर्ची पर्ची हाँ। पर्ची आपने रिजेक्ट आपने बोला होगा वहाँ कास्ट करा लो हाँ। या फलाने ने कहा होगा या था कि तुम मेरी अम्मा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि वो कभी भी ऐसा नहीं करती तो इस चीज को जब पढ़ती हूँ तो कैसा फील होता है? अब तो हंसी आती है, अब इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि बात वो ये कि इंप्रेशन ऐसा है ना लोगों के ऊपर कि जो इन फैमिली बैकग्राउंड से जो लोग आ रहे हैं उनको ये लगता है कि उनकी अपनी कोई मेहनत नहीं होगी या जब तक वो मेन स्ट्रीम पे नजर नहीं आती उनको उनकी जर्नी का नहीं पता होता, उनको लगता है बस पहला ड्रामा आया और हिट हो गया। ऐसा होता है लोगों के साथ लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने थिएटर में 4-5 साल लगाया, वो चीज किसी को नहीं पता। मैंने अब जब तक मैं बहुत ज्यादा हिट ना आ जाऊँ ठीक है, मुझे मेरी फैमिली की वजह से लोग जानते, मैंने अभी कुछ बहुत ही अमेजिंग नहीं किया है कि जब मैं कर लूंगी तो उस जर्नी का उस फेस का मेरे लोगों को नहीं पता होगा तो उनको इंस्टेंटली यही लगेगा कि आप आगे पर्ची है। तो वो इंप्रेशन आई थिंक ऐसा पड़ जाता है लोगों पे कि उनकी भी गलती नहीं है। नहीं लेकिन आपने तुमने ये कहा कि मैंने कोई अब तक अमेजिंग नहीं किया, मुझे पता है आपने एक बहुत अमेजिंग चीज की है, आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया जी जो माशाल्लाह मिलियंस पता नहीं कितने फॉलोअर्स चले गए, 200K सब्सक्राइबर्स हो गए और माशाल्लाह फलाना बटन जो होता है वो भी आ गया, सिल्वर बटन क्यों, काले का फैशन आजकल है ना, मैंने समझाया था इन्होंने सिल्वर बटन ले लिया, अभी गोल्डन भी आएगा इंशाल्लाह। हाँ तो मतलब वो इनिशिएट कहाँ से हुआ, क्या सूझा था तुम? अब थैंक्स टू यू, आपकी शादी पे मैं सराज घर से मिली, हमने जब भी हमसे पूछा जाता है YouTube चैनल के बारे में तो मैं सबसे पहले आपका नाम लेती हूँ, सरा भी सबसे पहले आपका नाम लेती है। थैंक्स टू महामैन फैजान, उन्होंने शादी की, हमने उनकी शादी में साथ डांस किया और हमने ये डिस्कवर किया कि हमारी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है तो हमें डांस के लिए कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान में हमारे पास कोरियोग्राफर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं बट वो मेन स्ट्रीम पे नहीं आते तो यूट्यूब चैनल से हमें स्टार्ट करना चाहिए और हमारी स्ट्रिक्ट पॉलिसी यही है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी गानों पर या इंग्लिश गानों पर, हम नो इंडियन कॉन्टेंट वाला हमारा सीन है। आप देख रहे हैं दी मजेदार शो, मजेदार 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 मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद हैं राबिया कुलसुम। अच्छा अब हम हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम हो रहे हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद हैं आदिया दिलम जो, और उनके साथ मौजूद है राबिया कुलसुम, उनके साथ मौजूद हूं मैं और हम खेलने लगे हैं दिस और दैट। ओके मजेदार 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 मजेदार। आपको पता है दिस और दैट कैसे खेलते हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, कोई डिप्लोमेसी नहीं चलेगी, यही वाला है ना। इसमें होगा और 2 लाख रुपए भी मिलेंगे। नहीं, मैं रेगुलर फॉलोअर हूं आप लोगों के शो की। बजट बढ़ गया है 2,10,000। ओह माय गॉड, आपके 10,000 के एडिशन की है। ओके क्योंकि आप घर की खेती है ना, आप दाल बराबर है। हाँ, लेकिन करना आपने फिर भी नहीं, हमें पता है। चलें जी, पहला सवाल, पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? नेगेटिव कैरेक्टर्स। सज्जल अली या सबूर अली? सज्जल अली। क्यों, सबूर अली में क्या मसला है? नहीं, सज्जल अली मेरी फेवरेट है। यार सबूर ने इतना टाइम लगा इंडस्ट्री को, आप उसको मुंह ही नहीं लगा रही। ठीक है, वेस्टर्न या फिर ईस्टर्न? ईस्टर्न। फिल्म्स या फिर टीवी? टीवी। बाइक या फिर साइकिल? साइकिल। फुरकान आजम या फुरकान कुरैशी? फुरकान कुरैशी। ठीक है, पंक्चुअल या फिर लेट? पंक्चुअल। नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। गुड कैरेक्टर्स या फिर गुड पे? गुड पे कर लो, पे पे कर लो। उमर शहजाद या फिर उमर अकमल? उमर शहजाद। क्यों, उमर अकमल क्यों नहीं, इंटरनेशनल स्टार हमारा, क्रिकेट को इतना टाइम दिया आपने, उसको मुंह नहीं लगाए। उमर शहजाद के साथ काम किया है ना यार, तो उमर अकमल थोड़ी एक्टिंग करता है। उमर अकमल से कभी मिली थोड़ी हूं, मुझे क्या क्या पता वो किस टाइप। मिलना चाहती हैं आप? नहीं। तो आप मिलकर डिसाइड करती हैं? हाँ। यू जजमेंटल पर्सन। किसी के लिए ओपिनियन नहीं क्रिएट करना चाहिए जब तक आप उनसे मिल ना ले। मतलब क्या इस बात का? इसका मतलब है ये किताब लिखने वाली है जल्द। ओके ठीक है, आउटडोर्स या फिर इंडोर्स? इंडोर्स। आदि भाई पूछिए। अच्छा ये बताइए कि पापा की परी या मामा की गुड़िया? मामा की गुड़िया। ये बताइए कि ददियाल या ननियाल? पूछो ननियाल। ये बताइए ससुराल या मैके? सुमैका। एक जवाब मैका, मुमैका कोई नहीं है हमारे। मैका। अब तो वाकई अम्मी अबू ना देखेंगे जो तो बेहतर है। हाँ मैका ही अब दुल्हन का घर होता है फिलहाल। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि आइसक्रीम कप में या कोन में? कोन में। ये बताइए कोल्ड ड्रिंक या फ्रेश जूस? फ्रेश जूस। ये बताइए निहारी या पाए? पाए। ये आम प्यार से या घुड़ुच? घुड़ुच। ओके ये बताइए कि बार बार सैलून जाना या अपने घर पे अपना ख्याल रखना? अपने घर पे अपना ख्याल रखना। यानी मैं आलू या नो आलू? आलू। आलू। सोने से पहले नहाना जरूरी है या मैं ऐसे ही सो जाती हूँ? नहीं, नहाना जरूरी है। वेरी गुड। इस्तांबुल या फिर लंदन? लंदन। इमरान अब्बास या अली अब्बास? अली अब्बास। विंटर्स या समर्स? विंटर्स। ऑटोग्राफ या सेल्फी? सेल्फी। बन कबाब या बर्गर्स? बन कबाब। देसी खाना अंग्रेजी खाना? देसी खाना। फेसबुक या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। सुहेल जावेद या महरीन जब्बार? ओह माय गॉड, ये तो ऑप्शन ही नहीं था। ओह माय गॉड, क्या हो, काम है कोई आपको? सुहेल जावेद या महरीन जब्बार? सुहेल जावेद या महरीन जब्बार? सुहेल सर।
क्यों? मेरी जबान ने पूरी दुनिया में इतना टाइम लगाया, आप उनको मून लगा रही यार। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप अच्छा ये भी नहीं बोल सकती काम नहीं किया है, काम तो दोनों के साथ किया है। आपको पता ही चला कि आप तो आपको सोल जावे इतना काम पसंद आ रहे हैं, मेरी जबार का नहीं आ रहा। नहीं, मैंने दोनों के साथ काम किया, दोनों मुझे बहुत पसंद है, पर सोहेल सर थोड़े से ज्यादा पसंद। क्यों? क्या वजह है? क्योंकि वो अपने एक्ट्रेस का बहुत ख्याल रखते हैं। आप लोग गलत बात नहीं करें, मेहरी भी रखती है, लेकिन सोहेल सर थोड़ा सा ज्यादा क्या करते हैं, तेल लगाते हैं बालों में, थोड़ा सा ज्यादा क्या करते हैं? डांस करके दिखाते हैं शूट पे, क्या हो रहा है? क्या वो ना थोड़ा सा ज्यादा मुझे एकदम सोहेल भाई नजर आए। क्या है थोड़ा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। सिरा असगर या हीरा हयात? ये आपने बनाया ना सब आओ खाना बता। हीरा हयात, मैं आपको बताता चलूं, इनकी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी, बचपन की पसंदीदा तरीन दोस्त, जो कि आज भी इनकी दोस्त हैं। तो मैंने इनको सिरा, इनकी जो है कुछ अरसे पुरानी दोस्त हैं, लेकिन बहुत गहरी दोस्त हैं, इसलिए सिरा असगर या हीरा हयात? ओह माय गॉड, ये तो ऑप्शन ही नहीं हो, यार ये बहुत गलत है। नहीं गलत नहीं है, तो सवाल है। चलो सिरा समझ जाएगी, हीरा हयात सिरा समझ जाएगी, सिरा समझ जाएगी, क्योंकि वो तो शायद मतलब के लिए मेरे साथ है ना, तो वो समझ ही जाएगी। और दूसरी तो मेरी दोस्त है, ये दोस्त नहीं है, ये सिर्फ काम की दोस्त है। वाह 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 यार, इंसान कैसे बदल जा रहा है। कड़वी लड़की हो यार तुम, कड़वी लड़की हो। चलो पूछो सवाल। अच्छा सवाल पूछो। अच्छा सवाल पूछो। ये बताइए, मेहंदियों पे जाके नाचना या मेहंदियों पे जाके बोलना? नहीं भाई मैं तो अरे नाचना भाई, भाई बिठाना पड़ता है, पकड़ के बिठाना पड़ता भाई। अच्छा ये बताइए, स्ट्रेट पजामा या चूड़ीदार पजामा? चूड़ीदार पजामा। ये बताइए, फुल स्लीव या हाफ स्लीव? फुल स्लीव। अच्छा फुल स्लीव और हाफ स्लीव, हां ये क्या है, फुल स्लीव और हाफ स्लीव? ऊपर होता है स्लीव और हाफ स्लीव। ये हाफ स्लीव मेरे बड़े भाई की थी ना, तो पहनी यहां तक आ गई, ये वाला पार्ट काट देंगे। पूछो पूछो। अच्छा ये बताइए कि अपने डांस स्टेप खुद बनाने या दूसरे डांस दूसरों के डांस को कॉपी करना और बोलना मेरा? नहीं खुद बनाना। ये बताइए कि ड्रामे में जाके एक्टिंग करना या ड्रामे में जाके नखरे करना? एक्टिंग करना। ये बताइए, दोस्तों के साथ घूमना फिरना या अपने साथ अपने शौहर की बाहों में रह के एक वक्त गुजारना? नहीं नहीं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भाई। हाँ हाँ ठीक है, सही है। एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट। मीर आबरू या फिर घमंडी? है? घमंडी। ये कौन है? प्रोजेक्ट घमंडी। अच्छा, घमंडी घमंडी घमंडी, ठीक है। फ्रेंच फ्राइज या फ्रेंच टोस्ट? फ्रेंच फ्राइज। पूछिए। ये बताइए कि घर का खाना बाहर का खाना? दोनों। गोल गप्पे या मीठी पूरी? मीठी पूरी। ये बताइए, फालूदा या कुल्फी? कुल्फी। ठीक है, ट्रैवलिंग या फिर शॉपिंग? ट्रैवलिंग। ठीक है। ये बताइए, मेकअप और नो मेकअप? मेकअप। ये बताइए, सलोन बार बार जाना या कम से कम जाना? कम से कम जाना। कम से कम जाना। ये बताइए, अपनी दोस्त के साथ बैठ के लड़कों का मजाक उड़ाना या दोस्तों के साथ बैठ के बोलना, हाँ यार ये भी अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छा माशाल्लाह, ये तो ये वाला बहुत ही अच्छा, अच्छी लड़कियां ये होती है। ये बताइए कि हीरा के साथ बैठ के सिरा की बातें करना या हीरा के साथ बैठ के सिर्फ हीरा की बातें करना? हीरा के साथ बैठ के सिर्फ हीरा की बातें करना, उसकी बातें खत्म नहीं होती। अच्छा हमारे पास सवाल लिखे होते हैं, लेकिन मैं तुमसे पूछो, इस वक्त तुम्हारा फेवरेट एक्टर पाकिस्तान में कौन कौन है, फीमेल या मेल? अरे मेल भाई, मतलब मैं कहता हूँ तुम बोलो यार ये द ब द ब। अच्छा नहीं, एक्टर गलत पूछा मैंने, क्रश कौन है? क्रश कौन है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सुनो मतलब एक्टर होना जरूरी नहीं है, एनीवन। हाँ तुम बोलो यार, इसमें बहुत क्रश है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इस वक्त आपका क्रश कौन है? हाँ। सवाल जल्दी से, ऐसा क्रश का क्रश इज समथिंग लाइक, मतलब लेकिन क्रश कोई है ही नहीं, बता बता बता, कोई तो पसंद होगा, बताना पड़ेगा। हर लड़की के दिल में कोई ना कोई होता है, ये तू बनवाएगा बेटा, सीक्वेंस बनवाएगा तू। हाँ शोएब अख्तर। आज शोएब अख्तर, तो मेरा सवाल अब है दिस और दैट में कि शोएब अख्तर या फिर मनी हाइस्ट के प्रोफेसर? मनी हाइस्ट के प्रोफेसर भाई, आपने से पाकिस्तान पूछा था। शोएब अख्तर में क्या काम है, इतना अरसा वो बेचारा भाग भाग के गेंदे फेंकने आया, आप उसको मून लगा रही। देखिए सिर्फ पाकिस्तान बोला था, नहीं तो मैं तो आपको मैच करा रहा था, दोनों क्रश नहीं तो अलवारो मोरते, अलवारो मोरते। अच्छा शोएब अख्तर आपके साथ? अलवारो मोरते। ये कौन है? ये मनी हाइस्ट के प्रोफेसर। अलवारो मोरते बंगाली थे? नहीं स्पेनिश, स्पेनिश अलवारो मोरते। अच्छा ये बताइए अलवारो मोरते, ये बताइए अलवारो मोरते, शोएब अख्तर अगर आपके सामने आ जाए तो उनके साथ सेल्फी लेंगे या? सेल्फी आ चुके हैं, सेल्फी भी ले चुकी हूँ। मैट्रिक के जो बच्चे होते ना, आधा सवाल पढ़ के जवाब दे, पूछो किनसे नहीं मिले, किनसे नहीं मिले? अलवारा मोरते। अच्छा चलो अलवारा रेवा से मिल लिया आप। हाँ। आ गई सामने आ गए ना एकदम से, आप जा रही है मॉल में ही आ रही हूँ, आगे मॉल में, ठीक है मॉल में घूम रहे आप क्या करेंगी, सेल्फी लेंगी या नॉर्मल ऐड करेंगी? अच्छा नॉर्मल ऐड कर ही नहीं सकती मैं, ऑब्वियसली भाग के जाके सेल्फी लूंगी, भाग के जाके सेल्फी लूंगी। अलवारा मोरते। अच्छा ये बताइए, नूडल जो है इज्जत से खाते हैं या खींच खींच?
अबे यार ये लोग इतना नूडल खाते हैं, मैं और माहम घरेलू बातें शुरू की, इतना नूडल खाते हैं ये लोग, इतना मतलब इतना वो नूडल बनाते नहीं जितना ये लोग खाते हैं। मैं माहम और हमारी जो नीस है नीमो, हम नूडल पार्टी, नूडल खाते हैं भाई, इतना नूडल, नूडल ही नूडल। यस, कितने नूडल खाओगे हर? आई कैन लिव ऑन नूडल्स। पैकेट से नूडल निकलेगा? नहीं नहीं नहीं, हां अच्छा जी, मैं घर नहीं जाता, मैं भाई ने कहते, हां वेरी गुड। हमारा पूरा घर इस वक्त डेंजर में है, प्लीज हमें बचा ली। ये कोई बात नहीं, हम फंसेंगे तो हमें कोई बचाएगा, बताओ कौन कौन? अल्लाह मरते। ये बताइए, सेकंड लॉस सवाल है। कौन सा सेकंड लॉस? सेकंड लॉस, सेकंड लॉस सवाल है। ये बताइए, टीवी वन या कोई दूसरा चैनल? सोच ले। बोलो बोलो कैश किसने दिया? बोलो बोलो कैश कौन देगा तुमको थोड़ी देर में? कौन देगा? अरे वाह, रुक जाओ, हमने गाना बना लिया। बोलो 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 कैश देगा, बोलो बोलो तुमको कैश कौन देगा? छोके बाद कौन देगा, कौन देगा तुम्हें? बताओ कोई और चैनल या टीवी वन? टीवी वन, टीवी वन। हम अपनी सैलरी इसी तरह बढ़वाएंगे। अल्लाह की कसम मैं बोला, इस बलबूते में सैलरी बढ़वाएंगे इंशाल्लाह। अगर बड़ी तो ये वाला पीस काट लो, चलाओ जाओ न्यूज पे। हाँ मैं नहीं, मैं खुद पर्सनल व्हाट्सएप करूंगा। पर्सनल व्हाट्सएप काट के। अब वक्त आ गया है सवाल का, जो के करना नहीं है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। मेरा भाई पूछेगा, नहीं तुम पूछोगे आज। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा, मेरा। अच्छा जी, आपसे सवाल ये इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आप एक तो डेंटिस्ट हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, डांस भी आता है, आपने दुनिया को हर रंग में देखा है। ओहो, तो आपका जो जवाब होगा वो हमारी नई यूथ और यूथ सबके लिए होगा। वाह, सोच समझ के अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपना नाक और मुंह से दीगा जवाब, क्योंकि कोरोना कहीं से भी घुस सकता है। सही कर दिया ना? वेरी गुड यार, इसमें डाल दिया। हाँ वेरी गुड। तो सवाल ये है, ये बताइए कि इन दोनों में से आप किसको चुनेंगे? ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर टू के साथ ही बताया जाएगा। ऑप्शन है आदि या फैजान। आदि, आदि, आदि। ऐसे दोबारा, वन टू थ्री गो, कैसे नाचो? जब जिंदगी में कामयाब की सीढ़ियां बढ़ोगे ना, कामयाब की सीढ़ियां वापिस करते हैं। करता हूं। लड़का लाइन भूल गया, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं। आप देख रहे हैं दी मतदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मेरे साथ मौजूद है राबिया कुलसुम, उनके साथ मौजूद है आदि दिलम जो, और हम साथ हैं आपस में एक दूसरे के साथ। मैं आपके साथ मौजूद नहीं हूं क्या? तुम्हारा नाम लिया ना मैंने? नहीं, अपने आखिर में लिया। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि दिलम जो, उनके साथ मौजूद है राबिया कुलसुम, हम लोग आपस में साथ बैठे हैं। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम आपने आखिर में क्यों लिया? वेलकम बैक टू द मजेदार शो, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मेरे साथ मौजूद राबिया कुलसुम, उनके साथ मौजूद आदि दिलम जो, उनके साथ मौजूद मैं, तो फिर आखिर में आ गया ना भाई। वेलकम बैक टू द मजेदार शो, बस हम हैं यहां पे, आपको पता है हम कौन है, आप पागलों की तरह बार-बार बता रहे हैं। अच्छा जी, आज मजेदार बात ये कि जो हमारा बैंड है यहाँ पर मौजूद, आज उसमें एक ऐसा मेंबर है जिनका टैलेंट हमें अचानक से पता चला, तो हमने कहा क्यों ना हम इनको मौका दें। बिल्कुल, सबको ही मौके देते हैं, तो क्यों ना अपने घर के बंदे को एक मौका दिया जाए। हसन इमरान इनका नाम है, जो हमारे कीबोर्ड आर्टिस्ट हैं, जो जबरदस्त एक सीनियर कीबोर्ड आर्टिस्ट है इमरान भाई, ये उनके बेटे हैं, ये साथ साथ गिटार भी बजाते हैं लेकिन बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो हमने कहा क्यों ना आज हम इनको ट्राई करें। क्यों आदि भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है जी जी, वेरी गुड। लेकिन हाँ पहले हम बातें करेंगे उनसे। हाँ वो तो जरूरी है, तंग किए बगैर तो मजा नहीं आएगा। हसन कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक। क्या सुनाएं आप, क्या पसंद करेंगे? ठुमरी सुना आपको? नहीं क्या, मैं फ्यूजन बैंड का एक सॉन्ग है जिसका नाम तेरे बिना है। ठीक है, तो यार मैंने तुमसे कहा था मुश्किल गाना है लेकिन तुम कह रहे हो मैं गा लूंगा, है कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बताइए कि आप कब से गाना गा रहे हैं? मुझे वैसे तो मैं बेसिकली गिटार बजाता हूँ लेकिन जो है टाइम ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन दो तीन मतलब इतने टाइम हो गया, दो तीन साल हो गया, दो तीन साल से गाने गा रहे हैं। कम टाइम है यार, बस कर दो, यहाँ तो लोग दो सोप करके पागल हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको किसने बताया कि आपको जो गाना गा रहे हैं आप वो अच्छा गा रहे हैं? हमारे दादा हैं, उन्होंने कहा। ओ दादागिरी कर रहे हैं वो?
अच्छा उन्होंने बताया, ठीक है। फिर तुमने बाकायदा उसके बाद सोचा इस बारे में या नहीं सोचा? नहीं मैंने सोचा उसके बाद, ठीक है जबरदस्त। तो मैंने सोचा कि मैं गिटार भी बजाता हूं तो गा भी सकता हूं मैं। हां यार मैंने बोला क्यों नहीं। उम्मीद करता हूं आज की परफॉर्मेंस के बाद आपको बहुत सारी पजीराई मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं और आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपके वालिद साहब आपके साथ हैं और आपको मजीद जो आपको गाइडेंस है उनसे मिलती है। और हमेशा सही ट्रैक पे रहना है, ठीक है, क्योंकि साइकिलिंग के ट्रैक पे नहीं तुम कहीं गिटार बजा देना। चलो भाई, चलो भाई, बेस्ट ऑफ लक। तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे बिन मैं सनम खुशी कैसे गाऊं, तू चली आए जो जी उठे फिर से हम, तेरे दिल में सनम क्या खुशी कैसे गाऊं, तू चली आए जो जी उठे फिर से हम, जो नहीं तो क्या है हम, तू जो नहीं तो क्या है हम, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे ही मैंने है सपने, तो मेरा दिल उदास मुझे हर घड़ी है बस तेरी आस, मेरा दिल कहे तू है आसपास कैसा दीवाना, तू नहीं तो मेरा दिल उदास मुझे हर घड़ी है बस तेरी आस, मेरा दिल कहे तू है आसपास कैसा दीवाना, तेरे बिना भाई जान ये जरूरी है काम करना जो कि मैं जरूरी समझता हूँ। सर थैंक यू सो मच, आपने ये किया। इमरान भाई आप जो है ना मुबारकबाद के हकदार हैं, आपकी तरबियत जो है ना वो नजर आ रही है बहुत उम्दा, बहुत बहुत उम्दा। और इसी दरमियान दिमाग में कुछ आ गया है खलल सा, वो मैं शो के एंड में आपको बताऊंगा। हमारी कोशिश होती है कि हम ये करते रहें। यार बहुत अच्छा, आसान, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और ऐसा लग नहीं रहा कि तुम 2-3 साल से गा रहे हो, तुमने इतना मुश्किल गाना एक तो चुना और तुमने उसको निभाया अपने अंदाज से, जो कि बहुत जरूरी होता है, अपना अपना फ्लेवर हर जगह होना चाहिए। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बड़ा एफर्टलेसली और गिटार के साथ
गिटार के साथ। पता कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा था कि आप नदीम भाई के बेटे नहीं हो। नदीम भाई नहीं है, इमरान भाई का बेटा है। इमरान भाई के बेटे नहीं हो। सही लग रहा था तुम्हें। बिल्कुल सही लग रहा था क्योंकि नदीम भाई का बेटा नहीं है। वेल डन यार आसान यार, लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की परफॉर्मेंस के बाद आपको बहुत सारी पजीराई भी मिलेगी और बहुत सारी कामयाबी मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आज की परफॉर्मेंस के बाद आप हमारे हर शो में इसी तरह हमारे साथ रहे। हाँ, हमें ये बात सूझ रही है कि हम आपको हर शो के लिए पकड़ लें। उम्मीद है कि इस बात को हम मटेरियलाइज कर सकेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि हमने कहा कि टैलेंट की कोई मीरास नहीं होती, और एक बात है, लेकिन ये प्रेशर कितना फील होता है? क्योंकि मुझे इनिशियली प्रेशर फील हुआ कि मैं जब जा रहा हूँ सेट पे लोग, और मैं बताता नहीं था किसी को। अभी भी मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी को ना बताऊँ, अल्लाह का शुक्र है लोग जानते हैं। लेकिन ये वाला प्रेशर कितना फील होता है कि मैं जी इनकी बेटी हूँ और उस लेवल पे पहुँचना, खैर हम पहुँच ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक प्रेशर होता है ना कि आप पे, मतलब कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो प्रेशर फील हुआ? बिल्कुल, बहुत जगहों पर हुआ। और अक्सर यही होता है कि वही वाली बात कि हम बताते नहीं हैं। हाँ। और जब बताते नहीं हैं तो कोई एक्सपेक्टेशन खास होती नहीं है, लोगों के रवैये भी बड़े डिफरेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही बताते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से डेवलप हो जाती है और फिर वो फील भी होती है। हाँ। लेकिन वही वाली बात है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उस लेवल को, अम्मी के लेवल को पहुँच सकें। कोशिश यही है कि जो नाम और जो इज्जत उन्होंने बनाई है उसको हम लेके चलें, अपने काम से भी और अपने एटीट्यूड से। बहुत ज़रूरी है जी, अपने वालदैन की इज्जत को लेके चलिए, अपने अपने काम से, अपने एटीट्यूड से। जैसे आपने अभी देखा, एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है, आसान है, जिस तरह गाया उसमें अंदाजा हुआ कि जी कितनी मेहनत हुई है उन पर। वक्त हुआ जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद है राबिया कुसुम। आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। अच्छा जी, हम खेल रहे हैं 5 सेकंड रूल। मजेदार 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 मजेदार। अच्छा जी, 5 सेकंड रूल शुरू होता है आपका। नेम 3 फेवरेट पॉलिटिशियंस। इमरान खान। गलत जवाब, पहले में फ्लॉप। नहीं नहीं है ना, 3 पहले में फ्लॉप। क्यों? तो और मतलब किसी और मुल्क का भी हो सकता है। हां, जरदारी। ओ अच्छा, ये थोड़ी टेंशन। विलियम शेक्सपियर कहां से पॉलिटिशियन हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये जरा नहीं, मुझे मैं सिर्फ पाकिस्तान का सोच रहे थे। हां, हमने तो पाकिस्तान बोला ही नहीं। हां, गौर से सुनिए, ठीक है। 3 फेवरेट खाने। बिरयानी, नूडल्स, कढ़ाई। 3 फेवरेट डायरेक्टर्स। सोहेल जावेद, मेहरीन जब्बार, फुरकान आजम। झूठ बोल रही है, अभी तो कहा था मेरी जब्बार नहीं पसंद, सोहेल जावेद पसंद है। वो दोनों में कंपैरिजन था। बहन गलत बोल रही है, कंपैरिजन था। बहन आप क्या, आप भी लोगों ने कहा एक चीज, एक एक इंसान को चुनो, ठीक है, चुनो। 3 ऐसी चीजें जो आप सुबह उठते ही करती हैं। ब्रश करती हूँ, मुंह धोती हूँ, कपड़े बदलती हूँ। वेरी गुड। 3 ऐसी चीजें जो आप सोने से पहले करती हैं। ब्रश करती हूँ, मुंह धोती हूँ, कपड़े बदलती हूँ। 3 ऐसी चीजें आपके बैग में होती हैं। परफ्यूम, फोन, चार्जर। 3 एनिमल साउंड्स। म्याऊ, वाह वाह। एक सेकंड, क्या था ये? कुत्ता गुस्से में। नहीं तो कुत्ता तो हो गया था ना, उसे भाई वो शेर था। हैं, भाभा वाला शेर, कुत्ता में घूम रहा शेर। नहीं, बिल्ली थी। म्याऊ म्याऊ, भाभा कुत्ता। और ये क्या था? शेर था। 3 एक्टर्स जिनका नाम वाई से आता हो। अरे इतना आसान, यासिर नवाज। यासिर नवाज, यासिर मजर, यासिर हुसैन। यासिर हुसैन यार, ओके यार भी वैसे ही आता है यार, यार। एक्ट्रेस की बात हुई थी। अच्छा चले। ओ ठीक है। 3 मिठाइयों के नाम बताइए। गुलाब जामुन, चमचम, लड्डू। 3 ऐसी चीजें जिनके बगैर आप नहीं रह सकती। परफ्यूम, कपड़े, ब्रश। अबे घर वालों का नाम ही नहीं है बॉस। 3 चीजें बोला। घर वाले चीजें नहीं होती, चीजें नहीं होते। ठीक है। 3 ऐसी चीजें जो आप चलते फिरते नहीं देख सकती। हवा, थूक, और गया। ठीक है। 3 ऐसी चीजें जो मुंह से एकदम से निकलती हैं। थूक, बात, गलत बात और गाली। हाँ ठीक है। 3 क्रिकेट आइटम्स के नाम बताएं। बैट, पैड, हेलमेट। ओके। 3 लड़कियां जो झूठ बोलती हैं। लड़कियां लड़कियां लड़कियां। नाम चाहिए, नाम मांगता हूँ। ऐसी रैंडम लड़कियां। नाम क्या पता। 3 शाजिया, नाजिया, सूफिया। शाजिया, नाजिया, सूफिया सुन रहे हैं आप लोग। ठीक है। 3 ऐसे एक्टर्स जिनको पॉलिटिशियन होना चाहिए। फाद मुस्तफा, यासिर हुसैन। यासिर हुसैन को पॉलिटिशियन होना चाहिए? क्यों? अल्लाह हू अकबर। ऐसी अजीब अजीब स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी अलग अलग जगहों पे। हाँ, ये अच्छा, 3 ऐसे लोग जिनको होना ही नहीं चाहिए। नहीं। अच्छा, 3 रेसलर्स के नाम बताएं। जॉन सीना, ट्रिपल एच, शॉन माइकल। वाह यार, तुम दर्जी हो, ठीक है। समझ गया था मैं कि मुझ पे आने वाला है कुछ। जी सलाम भाई जी, ये जॉन के कपड़े हैं सीना। ठीक है। 3 ऐसी चीजें जिनको आप बीट नहीं कर सकते। किसको बीट नहीं कर सकते? वक्त, वक्त, आदि फैजान। वाला ब्यूटी, पावर रेंजर्स। चीजें बोला था। अच्छा, 3 ऐसी चीजें जिनमें मिलावट अच्छी लगती है। मिलावट अच्छी लगती है,
चाट शरबत ना चावल ना हो रहा है तुमसे चावल चावल तुमसे ना हो पा रहा भाई तीन ऐसी चीजें जो मीठी अजीब सी लगती हैं सालन चावल चाय अच्छा तीन राइमिंग नेम्स शाजिया नाजिया सोफिया शाजिया नाजिया सोफिया कहां से उसमें हो गया शाजिया नाजिया सही है सोफिया राइम नहीं कर रही दिल्ली है ना अच्छा बुरा मान जाती है अच्छा बुरा मान जाती है तीन ऐसी चीजें जो साथ नहीं रख सकते यार कुछ भी हो सकता है बकरा और घास साथ नहीं रख सकते बकरा और शेर साथ नहीं रख सकते सोचने के लिए टाइम चाहिए कुत्ता बिल्ली साथ नहीं रख सकते आपसे नहीं हो रहा है बॉस साफ मोजे और गंदे मोजे साथ नहीं रख सकते पुरानी बनियान नई बनियान साथ नहीं रख सकते आप लोग 15 सेकंड में बोल रहे हैं ये चीजें मुझे 5 सेकंड में अम्मी और फूफो साथ नहीं रख सकते भाभी और नंद साथ नहीं रख सकते अच्छा तीन ऐसी चीजें जो लंबी अच्छी लगती हैं बाल लड़कियां और हाथ तीन बाल तीन हाथ लंबे अच्छे लगते हैं वो तो कानून के होते हैं पतले हाथ लंबे अच्छे लगते हैं ना मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ खड़ी और वहाँ का बल्ब भी कर दिया नहीं मतलब पतले लंबे हाथ अच्छे लगते हैं अच्छा तीन गोल चीजों के नाम बताएं बॉल कप ये बजर तीन ऐसी चीजों के नाम बताइए जिनका आप हाथ नहीं लगा सकते करंट गीला स्विच और पकता हुआ सालन तीन ऐसी चीजें दांतों में फंसती हैं गोश्त खाना टॉफी ठीक है तीन फेवरेट एक्टर्स के नाम बताएं एक्टर्स पाकिस्तानी मेल एक्टर्स अली अब्बास और है नहीं यार भाई पाकिस्तानी तो नहीं बोला था मैंने अच्छा आप बोल सकती थी अलवारो मोरते बोलती मैं सबसे पहले फिर आ गए अलवारो मोरते मिस कर गई आप तीन ऐसी चीजें जो वक्त के साथ साथ बुरी हो जाती है इंसान कपड़े ज्वेलरी गया अच्छा तीन फेवरेट एक्ट्रेसेस के नाम बताइए फेवरेट सजल अली अरे यार बहुत ही बुरा हाल है तीन ऐसी चीजें जिसमें हरी मिर्च डलती हो कीमा कढ़ाई बिरयानी तीन ऐसी चीजें जिसको हाथ से खाते हैं चावल खाना फ्रूट मजेदार 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 कर रही तुम मुझे दाल चावल खिलाओ दाल चावल खाओ अपने हाथ से खिलाओ ना ये लो बहुत स्पाइसी है यार आदि तो क्यों नहीं कर रहा ये अच्छा है यार। उसके लिए। यार मैं इसे डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ पता है नहीं होना डिस्ट्रैक्ट देखो पहले ये वाला चेंज कर ले यार मुझे समझ तो आ गया क्या है नहीं समझ में आया तो हाँ फिर ये वाला है फिर ये वाला है फिर चलो 1 2 3 दोबारा करेंगे जब तक ये नहीं कर पाए दुनिया में अब सिर्फ दो ममालिक रह गए जिसमें अभी तक पोलियो मौजूद है और पाकिस्तान उसमें से एक है आपसे मेरी गुजारिश है कि सही वक्त पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं क्योंकि खास वक्त होता है अगर उसमें वो पोलियो के कतरे ना पिए तो फिर जिंदगी भर की माजूरी हो सकती है प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर सही वक्त पर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाइए और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर और ये मैं बार बार बोलता हूँ लेकिन लोग समझते हैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन हमारे यहाँ वाकई बहुत सारे कॉमेंट्स थे खास तौर पर सरा की एपिसोड के बाद के राबिया को बुलाएं 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 तो हमने आपको बुला लिया थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आई हैड अ ग्रेट टाइम आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे डेफिनेटली अगर आपका कोई मैसेज है तो दैट कैमरा इज योर्स मैसेज अब सबके लिए यही है पूरे पाकिस्तान के लिए इनफैक्ट पूरी दुनिया में जहां जहां हमें लोग सुने कोरोना वायरस इस वक्त अपनी सेकंड पीक पर है और प्लीज हम सबको एहतियात की बहुत जरूरत है अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ तो हम लोग कंप्लीट लॉकडाउन अफोर्ड अब नहीं कर सकते हमारे जितने डेली वेजर्स हैं हमारी ताजर बरादरी है कोई भी मुकम्मल लॉकडाउन बेयर नहीं कर सकता हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं है तो प्लीज़ एक ही चीज़ उसको रोक सकती है और वो एहतियात प्लीज़ एहतियात करें मास्क पहने सैनिटाइज करें सोशल डिस्टेंसिंग प्लीज़ करें आई नो शादियों का सीज़न है वेडिंग सीज़न है लेकिन फिर भी एहतियात जैसे हमने हमेशा सुना है एहतियात इलाज से बेहतर है प्लीज़ एहतियात करें और कोरोना को काबू पाने में एक दूसरे की मदद करें एज अ कॉम एज अ नेशन आदि भाई आपका कोई मैसेज मेरा मैसेज मैं तो खेलने में लगा आपका कोई मैसेज है तो प्लीज दे दे मेरा एक मैसेज हमारी मीडिया इंडस्ट्री के लिए है मेरे मैसेज ऐसे होते हैं अच्छा इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ मेरा मैसेज मीडिया इंडस्ट्री के लिए है हाँ हाँ
कि या तो हम लोग क्योंकि हम भी इसी इंडस्ट्री के, या तो हम लोग इंसानों वाली हरकतें करें, ठीक है, या फिर पैसे मिलने पे बड़ी बातें ना किया करें। पूरा टाइम हम पूरी इंडस्ट्री ने बातें की हैं कि जी कोरोना से इस तरह हाथ धोएं, इस तरह हाथ दें, क्योंकि हमें पैसे मिल रहे थे ब्रांड से, तो हमने इतनी बातें की। अब हम पार्टियां करके उसकी तस्वीरें भी लगा रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग जलील हो रहे हैं तो आगे से हम कह रहे हैं कि जी प्लीज किसी को जज नहीं करें, किसी को ये ना करें, मैं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है। तो जब जानता है तो फिर इंसानों वाली हरकतें करें ना। एक तरफ आप एक बात कहते हैं, आपको 20,000 कोई पकड़ाते हैं, एक बात कहते हैं 50,000 पकड़ाते हैं, एक बात कहते हैं। तो ये मैसेज जो है ना हमारी मीडिया इंडस्ट्री, मेरी कोई औकात नहीं है लेकिन मेरे पास थोड़ा सा दबाव है यार। मैं कहता हूँ तुम ही बंद करो। अब तुम बोलो यार, तुम तैयार क्यों नहीं हो रही है भाई? तुम तैयार क्यों नहीं हो रही? जाना है, लेट हो रहे हैं। ये वाले टॉप्स मैच करेंगे। थैंक यू सो मच जी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा शो पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो अगली वीक भी आप लोग ट्यून इन करेंगे। अगर आपके पास कोई टैलेंट है जो कि आप लोग यहाँ पे आके परफॉर्म करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे इंस्टाग्राम पेज द मजेदार शो पे हमें इनबॉक्स कीजिए, हम आपको यहाँ बुलाएंगे। जाने से पहले फैजान, हाँ मैं अपना मुंह धुलवा लूं सर्विस स्टेशन से। हाँ ये देखो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद कुरैशी है और मैं जल्द आ रहा हूँ मजेदार शो विद आदि एंड फैजान ओनली ऑन टीवी।